हरियाणा के परिवहन, खनन और भू विज्ञान मंत्री मूलचंद शर्मा ने गुरुवार को कैथल के मिनी सचिवालय में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के एजेंडे में शामिल सभी 14 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। एक कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के आदेश भी दिए गए। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए मूलचंद शर्मा ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा अपना मत प्रतिशत बढ़ाने में कामयाब रही है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि 31 मार्च तक हरियाणा रोडवेज के बेड़े में नई बसें शामिल कर ली जाएंगी। 14 की 14 हमने डिस्पोज पेंडिंग कोई नहीं है और सारी जो तैयारी है अगली तैयारी इससे बढ़िया और करके लाए अधिकारी कि कोई पेंडिंग ना रहे और जो ग्रीवेंस से पहले खत्म हो जाए रखने का प्रयास ना कर। इसके लिए डीसी की टीम को बहुत बधाई बहुत मुबारक। चलिए जितने भी अपने 13 पेंडिंग 3 पहली थी 11 अब की थी 14 उनको सभी की कंपनी शिकायतों को सुना है उन्हों सबका रास्ता निकाला डिस्पोज का है। एक अधिकारी को जो वेलफेयर ऑफिसर जिस आदमी के परेशान कर उसके खिलाफ कार्रवाई डी साहब का उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है कि उससे वो बार बार कागज देने के बाद पेंशन नहीं कर पाया। और सबसे बड़ी बात है इस जिले का मंत्री इस जिले से है उसके बावजूद उस अधिकारी को परवाह करनी चाहिए। जिले का मंत्री है और आम आदमी का काम करना चाहिए। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की हार में बहुत बड़ी जीत हुई है और लोगों को वोट देना लोगों का अधिकार है और दिल्ली में 44% भारतीय जनता पार्टी को मत मिला है, 50% बीजेपी मिला है और जो 150 साल पुरानी पार्टी उसको 6% मिला है। सत्ता बनाना लोगों का अधिकार है, सत्ता किसकी देनी किसके बनाना ये लोगों का। लोगों ने केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया इससे क्या है, लोगों ने 44% भारतीय जनता पार्टी को मत दिया है। ये सारे इकट्ठे बीजेपी के खिलाफ सब इकट्ठे होकर लड़े हैं, एक सिंबल रहा है, सारे लोग मित्र बन गए। नहीं अधिकारी कोई हमसे अलग तो है नहीं, अधिकारी भी एक समाज का अंग है और काम भी उनको करना है और काम भी कराना है। सारा काम क्या है कि जो भी अधिकारी बिजली कार्य जो होगा अधिकारी लोगों की बात नहीं सुनेगा काम नहीं करेगा उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। सर रोडवे के बेड़े और 31 मार्च तक 20 वॉल्वो 150 पिंटर्स और 190 अपने किलोमीटर स्कीम 480 किलोमीटर स्कीम बस हम बेड़े में सब मार्च तक कर देंगे। नहीं हमने कहा जो किलोमीटर स्कीम में जो 510 बस थी जो 35 रुपये थी अब वो 26.90 रुपये पर किलोमीटर जो स्कीम 190 बसों की थी उसी स्कीम। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। हरियाणा सरकार के काम काज के बारे में 2 शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।